आज हम बनाएंगे अंगूर और मक्कू का चटनी। उसके लिए 250 ग्राम मक्कू लिए हैं और 250 ग्राम अंगूर लिए हैं। सबसे पहले इसको काट लेंगे। मक्कू का ये पीछे वाला पार्ट काट के हटा देंगे और इसको हाफ हाफ काट लेंगे। इस तरह से मक्कू को रस भरी भी कहते हैं। इसी तरह से अंगूर को भी काट लेंगे। ये पीछे वाला पार्ट को थोड़ा सा काट लेंगे, उसके बाद इसको हाफ हाफ कर लेंगे। इसी तरह से सारा अंगूर काट लिए हैं। चटनी बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो है शुद्ध घी 1 टेबल स्पून, हाफ बॉल चीनी, 2 खड़ी लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून गरी कटा हुआ और 1 टेबल स्पून किशमिश। चलिए बनाना शुरू करते हैं मक्कू अंगूर की चटनी। उसके लिए पहले फ्राई पैन चढ़ाएंगे। फ्राई पैन चढ़ा लिए, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टीस्पून, जीरा मेरा लाल हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 2 इलायची, इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ मक्कू, कटा हुआ अंगूर, अब इसमें डाल देंगे काला नमक 1/2 टीस्पून, इसको ढक देंगे 1 मिनट तक। ढक के इसको भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। इसमें डाल देंगे चीनी और ये ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो। हम इसमें गरी और किशमिश डालें, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये चटनी खाने में काफी टेस्टी लगता है। इसको ढक देंगे, ढक के इसी तरह पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, मक्कू अंगूर दोनों नरम हो गया था। अभी ढक के और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, इसको दबा के देखेंगे। अब मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए था हमें, देखिए। अब बन के रेडी हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद इसका प्लेटिंग कर लेंगे। बन के तैयार हो गया मक्कू अंगूर की चटनी। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।